आज ही से DCX सिस्टम्स का IPO भी खुलने जा रहा है। आपको बता दें, हाईटेक डिफेंस और एरोस्पेस से जुड़ी एक कंपनी है, और डिफेंस क्षेत्र में जिस तरह से अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, काफ़ी पॉजिटिव अप मूव्स, कई सारे डेवलपमेंट्स और सरकार के बिल्कुल फोकस एरिया में हैं। अब इस IPO से क्या उम्मीदें लगाई जाएँ, ये समझते हैं। हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट आस्था जैन जुड़ गई हैं, उनसे जानते हैं IPO पर उनका नज़रिया। आस्था, DCX सिस्टम्स के IPO की अगर बात करें, एक तो सेक्टर ही काफ़ी ज़्यादा वॉच आउट किया जाने वाला है, और IPO के कैपिटल एलोकेशन, एक्सपेंशन प्लान्स, ग्रोथ आउटलुक पर आपके टेकअवेज क्या हैं? हाँ जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग मानसी, गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, सबसे पहले बात की जाए इस आईपीओ की, तो मैं रेटिंग देना चाहूंगी। रेटिंग हम दे रहे हैं सब्सक्राइब की, और लिस्टिंग गेन के लिए भी सब्सक्राइब करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए भी करना चाहिए। अब अगर इस आईपीओ में मैं बात करूँ मेजर पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, तो सबसे पहले जिस तरह से डिफेंस सेक्टर अभी पूरा एक लाइमलाइट में बना हुआ है, और ये कंपनी है, ये एक तरह से लीडिंग इंडियन ऑफसेट पार्टनर्स है, और दूसरी तरफ ये लोग इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम भी बनाते हैं, वायर हार्नेस वगैरह भी करते हैं, जो कि काम में आता है एरोस्पेस इंडस्ट्री में, डिफेंस इंडस्ट्री में। इसमें इस कंपनी की जो सबसे अच्छी मुझे बात लग रही है वो ये है कि इनकी ऑर्डर बुक काफी अच्छी है। अगर मैं ऑर्डर बुक की बात करूं तो तकरीबन 2000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो कि विजिबिलिटी देती है आने वाले समय के लिए, क्योंकि और ये 2 टाइम्स है। अगर मैं करंट रेवेन्यू की बात करूं तो उसकी दुगनी तो अभी ऑर्डर बुक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे पूरी विजिबिलिटी मिलती है कि आगे चलते हुए कंपनी को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू जनरेशन होने की उम्मीद है। दूसरी तरफ जिस तरह से ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है, बहुत सॉलिड ग्रोथ है। सीएजीआर की अगर मैं बात करूं, चाहे टॉप लाइन हो, बॉटम लाइन हो, एबिटा हो, सब में सीएजीआर 50% से ज्यादा है FY20 से FY22। सो सभी पैमाने पे ये कंपनी, चाहे से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें, चाहे से सेक्टर एज अ होल की बात करें, मुझे ये कंपनी पसंद आती है, और मैं यहाँ पे रिकमेंड करती हूँ कि सब्सक्राइब करना है। अगर लिस्टिंग गेन के लिए लगाना है तो भी लगाया जा सकता है, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो भी इसमें सब्सक्राइब किया जा सकता है। बिल्कुल, तो ये है DCX सिस्टम पर राय आस्था की। सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिस्टिंग गेन के लिए भी पैसा लगा सकते हैं, और लॉन्ग टर्म निवेश के लिहाज से भी आप इस पर नजर रख सकते हैं। ये आस्था की। आस्था, थैंक यू सो मच हमें अपना कीमती समय देने के लिए और IPO पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो चलिए, ये थी IPO पे राय, उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हैं इस IPO को लेकर। लेकिन अब वापस से एक